तो आगे बढ़ते हैं। इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ गई है फरीदाबाद से, आपको बता देते हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है फरीदाबाद से, तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी है। दरअसल फरीदाबाद में चुनाव के बाद बवाल हो गया है। तो आपको बता दें कांग्रेस समर्थक के साथ बुरी तरीके से मारपीट की गई है। तो फिलहाल ये जानकारी फिलहाल अभी मिल रही है। बता दें आपको कि कांग्रेस प्रत्याशी के बेटे ने आरोप भी यहाँ पर लगाए हैं, तो ये बड़ी जानकारी है। कृष्णपाल के समर्थकों पर मारपीट के आरोप है इस वक्त की, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें सवाल की स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई, मारपीट के आरोप भी यहाँ पर लगे हैं। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी है, फरीदाबाद में चुनाव के बाद बवाल हो गया, तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। कांग्रेस प्रत्याशी के बेटे ने आरोप लगाए हैं, तो ये बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की। बता दें कि कृष्णपाल के समर्थकों पर मारपीट के आरोप लगे हैं। बड़ी जानकारी है इस वक्त की, आपको बता दें कांग्रेस समर्थकों के साथ बुरी तरीके से मारपीट हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है अभी। फिलहाल आपको ये भी जानकारी दे दें कृष्णपाल के समर्थकों पर मारपीट के आरोप लगे हैं, तो ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की, आपको बता रहे हैं। तो फरीदाबाद में चुनाव के बाद बवाल हो गया इस वक्त की, ये बड़ी खबर है। बता दें कि कांग्रेस समर्थकों के साथ बुरी तरीके से मारपीट यहां पर की गई है। फिलहाल इस वक्त की ये बड़ी खबर। बता दें आपको इस वक्त ये बड़ी जानकारी आ रही है, जहां पर कांग्रेस समर्थकों के साथ मारपीट हुई, कांग्रेस प्रत्याशी के बेटे ने आरोप लगाए हैं। बता दें कि कृष्णपाल के समर्थकों पर मारपीट के आरोप लगे हैं, ये बड़ी खबर है। अजय वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, कांग्रेस समर्थकों के साथ मारपीट हुई है, क्या कुछ पूरा मामला है? आपको बता दूं कि सबसे पहले तो इंडिया न्यूज हरियाणा किसी भी तरह के जो आरोप लगाए जा रहे हैं फिलहाल, क्योंकि कृष्णपाल गुर्जर और उनके गुर्गे के नाम से जो पीड़ित पक्ष है वो आरोप लगा रहा है कि कृष्णपाल गुर्जर और उनके गुर्गों ने चुनावी रंजिश के चलते आज सुबह सेक्टर 37 पल्ला पुल के पास जो है राम कुमार भड़ाना के ऊपर हमला करवा दिया, तलवारों से चाकुओं से उसको घायल कर दिया, और जो है ऐसा आरोप पीड़ित पक्ष के द्वारा लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि जो हाल ही में जो चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें जो रविकांत भड़ाना नाम का एक भाजपा का कार्यकर्ता बताए रहे हैं, उनके साथ उनका कोई विवाद हुआ था जिसको लेकर लगातार उनको वो सोशल मीडिया के माध्यम से धमकियां दे रहे थे कि वो उन्हें देख लेंगे। और आज जो है राम कुमार भड़ाना जब सुबह अपने घर से निकला, अपने प्रॉपर्टी का जो काम करते हैं उसके लिए, तो रास्ते में उनको 2 से 3 गाड़ियों ने घेर लिया और उसके बाद 10 से 15 लोग उससे उतरे और उसमें तलवार और चाकू उन्होंने पकड़ा हुआ था और उसके साथ उनके ऊपर हमला कर दिया, जिसमें उनकी जो है टांग भी टूट गई है और शरीर पे कई गंभीर चोटें आई हुई है। बीके सिविल अस्पताल में अभी भी उनका उपचार चल रहा है, MLR कटने की जो है पूरी बात की जा रही है। वही पुलिस जो मौके पर कुछ पुलिसकर्मी उनका बयान लेने के लिए आए थे, फिलहाल उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन पुलिस PRO यशपाल सिंह से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि इस मामले में हम पूरी जांच कर रहे हैं और जैसे ही कोई तथ्य सामने आएंगे तो उस हिसाब से जो कार्रवाई की जाएगी, और जो फिलहाल जो है लिखित में शिकायत अभी किसी की नहीं आई है, जैसे ही लिखित में कोई मामला सामने आएगा तो पूरी निष्पक्षता से जांच की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ। तो आगे बढ़ लेते हैं, दिल्ली से जानकारी है। NDA संसदीय दल के नेता चुने गए हैं नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने